मोदी सरकार के चार सालों की कारगुजारी का कांग्रेस ने हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद जवाब के तहत कांग्रेस ने सांसद से हिसाब मांगा है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा से चार साल के कामों का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा कि सांसद ने सदन में मंडी संसदीय क्षेत्र के बारे में कितने सवाल पूछे और संबंधित मंत्री ने उसके बारे में क्या जवाब दिया। सांसद निधि की 25 करोड़ की राशि कहां कहां वितरित की गई। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में सांसद निधि की वंदरवाट हुई है जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। कौल सिंह ठाकुर ने सांसद से सवाल किया है कि बीते चार सालों में अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कितने प्रोजेक्ट केंद्र से मंजूर करवाए गए हैं, जबकि अपने चुनावों के दौरान रामस्वरूप शर्मा ने रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने और पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को मंडी तक रेल पहुंचाने का वायदा किया था। इस दिशा में उनके क्या प्रयास रहे, इस बारे में वे जनता को जवाब दें। उसी प्रकार घोघर धार में एयरपोर्ट बनाने की बात भी उन्होंने कही थी, उसके बारे में अब तक क्या किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर सांसद को हर साल एक गांव गोद लेने के निर्देश दिए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में कितने गांव गोद लिए गए और उनकी स्थिति क्या है, इस सबके बारे में सांसद जनता को बताएं। इस अवसर पर पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर, मनसाराम जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा, सुंदरनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन ठाकुर समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इन्हें कहा था, बाकी भाषण में कहा था जब चुनाव लड़ रहे थे कि जो पठानकोट सुंदरनगर नैरो गेज रेलवे लाइन है उसको मैं ब्रॉड गेज कराऊंगा और उसको मंडी तक उसका विस्तार किया जाएगा। उस दिशा में भी सांसद महोदय जवाब दें कि क्या प्रगति होने की है, क्या इसके बारे में सांसद ने प्रश्न पूछा, क्या माननीय रेलवे मंत्री ने इसका जवाब दिया, ये भी बताया। हमारे गुतावी प्रगति नहीं हुई है, न कोई पैसा रेलवे के लिए जो है मंडी संसदीय क्षेत्र में मंजूर हुआ है। उन्हें ये कहा था कि देखो मंडी में मैं जो है एक जो है घोघरा धार में बड़ा एयरपोर्ट बनाऊंगा ताकि वो इन जहाज जो है उसमें वाला जहाज उसमें उतर सके। सेंटर जगह है, हमें भी बड़ी खुशी है, वहां जगह भी काफी खाली पड़ी है। उस दिशा में भी मैंने एक पत्र सिविल एविएशन मिनिस्टर को लिखा था बतौर मंत्री, उनका जवाब भी आया था, सर्वेक्षण भी करवाया है, पर उसके बाद सांसद महोदय को प्रस्तुत करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं बस इसको मंजूर कराऊंगा, उस बारे में अभी तक जो है कोई प्रगति नहीं हुई है, इसके बारे में भी सांसद जवाब दे। एक और था, इनको 25 करोड़ रुपया 5 साल में मिलता, हर साल 5 करोड़ रुपया अपनी सांसद निधि का विकास के लिए मिलता है, उसमें भी हमारा इल्जाम है कि बंदरबाट कुछ क्षेत्रों में उन्हें दिया होगा, कुछ क्षेत्रों में नजरअंदाज किया गया। और उसके साथ ही इनको कहा था कि हर साल एक एक आदर्श गांव सांसद बनाएगा, चार साल में कौन से चार आदर्श गांव सांसद महोदय ने बनाए हैं गोदी लिए हैं और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, ये भी हम सांसद महोदय से जानना चाहते हैं। इसी तरीके से सांसद महोदय ये बताने की कृपा करें, ये कहते हैं कि ये जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज में लाया, ये तो जब सरकार थी हमारे उस वक्त ये सेंक्शन हुआ था, उसी वक्त इसका शिलान्यास किया केंद्र के जो ऑस्कर फर्नांडिस थे, उन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, उन्होंने कहा था एक साल के अंदर हम इसको चालू करेंगे।